नमस्कार, मैं पंकज सिंगटा, आप देख रहे हैं TSR डिजिटल टीवी और स्वागत है आप सभी का देवभूमि दर्शन सीरीज़ में। देवभूमि दर्शन सीरीज़ में हम आपको करवाते हैं मंदिरों के दर्शन। जितने भी हिमाचल में मंदिर है उन सभी मंदिरों के आपको दर्शन देवभूमि सीरीज़ में करवाए जाते हैं TSR डिजिटल टीवी के माध्यम से। तो आज की इस सीरीज़ में, आज के इस एपिसोड में हम लोग पहुँचे हैं काली टिब्बा चायल में। काली टिब्बा चायल से करीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मंदिर की क्या मान्यताएं है, ये मंदिर क्यों माना जाता है, कब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कब से मंदिर लोगों के बीच में जो है वो पॉपुलर हुआ या लोग जानने लगे मंदिर की मान्यता को, इसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं काली टिब्बा मंदिर में और मंदिर आपको पूरे दर्शन मंदिर के करवाएंगे और यहाँ के बारे में जानकारी भी आपको देंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। तो इस समय हम लोग काली टिब्बा मंदिर में हैं। चायल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं मनोज जी, जो कि यहाँ के स्थायी निवासी है और मंदिर कमेटी के सदस्य भी है और बहुत समय से मंदिर में आते हैं, मंदिर में रेगुलर इनका आना रहता है और भक्त है ये माता के और कमेटी के भी सदस्य है। इनसे हम लोग जानेंगे मंदिर के बारे में, मंदिर की मान्यता के बारे में और जितने भी यहाँ पर चमत्कार हुए हैं उन सब चीज़ों के बारे में इनसे हम जानेंगे। तो मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका TSR डिजिटल टीवी में। जी, थैंक यू। तो मनोज जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में कि मंदिर की मान्यता कब से है। यूँ तो मंदिर को बोला जाता है कि बहुत पुराना मंदिर है, सदियों से मंदिर चला आ रहा है, लेकिन कब लोकल जो चायल के लोकल लोग हैं उन्हें कब महसूस हुआ कि यहाँ पर माता की शक्ति है या एक मान्यता है माता की, कब से ऐसा हुआ? वैसे मान्यता तो ये प्राचीन से चली आ रही है, हमारे जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी पर यहाँ एक छोटा सा स्थान हुआ करता था, प्राचीन मंदिर बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ आते थे तो यहाँ भंडारे छोटे से बच्चे करते हैं ना, तो हम भी उसमें शामिल होते थे, हम भी करते थे उस चीज़ को। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, कोई वो नहीं था, बस एक स्थान था छोटा, जो कुछ आज हम देख रहे हैं तो एक चमत्कार है। जब जो हमारे महाराज जी है सिद्ध बाबा गुरु जी, मतलब जिन्होंने जिनकी नज़र यहाँ पे पड़ी, माता रानी का ही आदेश हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जब निर्माण शुरू हुआ, तो मैं स्कूल में पढ़ता था, मतलब 2000 में, तो इसका मतलब शुरुआत हो गई थी। तो फिर सबसे पहले तो हमने सड़क का जो निर्माण शुरू किया हाथ से खोद के, कोई मशीन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लोग यहाँ की लेडीज़ मतलब महिलाएं, बच्चे और लोकल सब आते थे, हम मिलके हाथ से सड़क की खुदाई करते थे। तो उसमें काफ़ी समय लग गया जब यहाँ तक सड़क पहुँचाई। उसके बाद यहाँ का जो मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, कोई बिना कोई आर्किटेक्ट कोई इंजीनियर नहीं, गुरुजी ने सिर्फ एक नींव रखी थी, एक पत्थर नींव का पत्थर रखा था और शुरू हुआ था हमारे सामने, हम भी छोटे थे, आज से 20 साल पहले की बात है। तो जब ये शुरू हुआ था तो कोई ये सोच नहीं सकता था कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ बनेगी, जबकि एक छोटा सा एक स्थान हुआ करता था। और जैसे ही जब ये काम शुरू हुआ तो एक चमत्कार होना शुरू हो गया हमारे सामने, फिर लोग जैसे 2 लोग जुड़े, फिर 4 जुड़े, यहाँ के लोकल्स मिस्त्री लेबर मतलब सब मिलके लोगों ने काम शुरू किया। कहाँ से फंड्स? अपने आप माता की शक्ति से, कृपा इसी की थी और हमारे अंदर भी वहीं से जोश आता था। हम जैसे छुट्टियों में आते थे या सुबह शाम और संडे के दिन यहाँ काम करना, धीरे धीरे ये
डेवलपमेंट होती गई। जब ये निर्माण जब ये स्थान बना फिर एक एक मतलब ऐसे लगा कि लोगों ने ना एक इसको चमत्कार माना, आप इतना बड़ा मंदिर बना रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक देवी शक्ति की, इससे ये मंदिर का निर्माण हुआ। और पहले ये मंदिर बनाया गया, फिर धीरे धीरे ये इसका सारा सोसाइटी डेवलपमेंट हुई, और आज जो इसकी नींव मतलब इसका जो नींव एक जो शक्ति है, यहाँ पे जितने भी हम बाहर से जो भी लोग आते हैं, ऑल इंडिया से जो लोग आते हैं, हम मतलब उन हमारे से एक बात पूछते इसकी खासियत क्या है, तो हमने सिर्फ एक ही बात कही, इसकी खासियत सिर्फ एक ही है कि यहाँ आके जहाँ भी जो भी लोग आते हैं उनको एक यहाँ आके एक परम शांति मिलती है, और लोगों को लगता है भी आज भी हमारा धर्म जिंदा है, आस्था बची है, ठीक है, मतलब यहाँ कोई लूट नहीं, कोई पाड़ नहीं, अपनी मर्जी से आ रहा, अपनी मर्जी से सब यहाँ नज़ारा मंदिर का देख रहे हैं, और सबको यहाँ से जो इच्छाएं होती है वो पूरी होती हैं लोगों की, एक ही नहीं हमारे सामने मतलब अनगिनत लोग हैं जिनकी यहाँ से इच्छाएं पूरी हुई हैं। हम मैं एक स्वयं एक जीता जागता उदाहरण हूँ, हमारे हम एक छोटे से गांव से हैं, ठीक है, आज अगर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, मैं अपना एक छोटा सा होटल बना रहा हूँ, मतलब 20-25 कमरे का होटल, तो हम किसान आदमी है, मैंने यहीं से वरदान मांगा था और आज हमारा मतलब काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो निर्माण हो रहा है, यहाँ जो गुंबद था तो हम इसकी ना तोड़ने की एक बड़ा गुंबद बनाना चाहते थे, हम 2 साल से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, तो मतलब हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम माता के मंदिर के ऊपर चढ़े, मतलब हम सोच रहे थे पिछले 2 साल से, गुरुजी का भी आदेश था भाई इसको तोड़ना है, दूसरा बड़ा बनाना है इसको अच्छे से, तो हिम्मत नहीं हुई, तो माता रानी ने मतलब एक चमत्कार हुआ, ऐसे एक बिजली पड़ी जब गुंबद टूटा, तो जो इसका एक एक कण भी है ना, इतने शीशे हैं, इतनी मूर्तियां हैं, किसी को इतनी सी आँच नहीं आई, और जो यहाँ पे लोग थे मतलब काफ़ी 20 मिनट तक तो खैर वो मूर्छित रहे, पर उनको हुआ कुछ नहीं, जब वो अब जब वो आए यहाँ उनको पूछा गया, उनको क्षति हुई कुछ नहीं, तो मतलब उनको लगा कि हमारे को तो पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, जब हमने देखा तो यहाँ पूरा मलुआ ऐसे रखा हुआ जैसे लेबर रखती है, मतलब एक चमत्कार था, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इसका जो आगे क्या प्रक्रिया करनी शुरू कर दी, तो ये जो निर्माण हो रहा है ये ना किसी की मतलब हम तो सिर्फ हमारे को सौभाग्य है कि मिला यहाँ काम करने का, हम यहाँ जब भी हमारे को समय मिलता है हम यहाँ पे आते हैं काम करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे आते हैं, मंत्री मिनिस्टर्स सब यहाँ आके मतलब नमन करते हैं, और यहाँ से जो भी कुछ मिलता है, हमारा जो असली आज जो रोज़गार है ना टूरिज्म का, हिमाचल का बता रहा हूँ मैं, चायल का, इसी मंदिर की वजह से चलता है, मतलब ये हमारा जो मंदिर है आज हिमाचल में सबसे एक प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है, और इसमें कोई हमने कोई मीडिया से अप्रोच नहीं करवाई कि भाई हमारा इसका वो प्रचार करो, मतलब अपने आप सब कुछ हो रहा है सिर्फ माता की शक्ति से, जो माता रानी की जो कृपा है, वैसे नहीं हमारे ऊपर ही नहीं जो भी यहाँ आते हैं सबके ऊपर इसकी कृपा है बनी है, और हम भी ये चाहते हैं कि जब तक ये आस्था रहेगी तब तक इसकी कृपा रहेगी, और मतलब जो भी यहाँ आए जितने भी लोग यहाँ आते हैं अपने मन की मुराद पूरी करके जाते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपको आपने इतनी जानकारी मंदिर के बारे में हमें हमसे साझा की और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताई आपने ये जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू। Thank you.
तो यहाँ पर काले टिब्बा में इस समय हम लोग मौजूद है, और यहाँ पर कुछ जो लोग सैलानी आए हैं या दर्शन करने मंदिर आए हैं काले टिब्बा में, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और वो कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मैम है और इनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मधु गोस्वामी। मधु मैम, आपका स्वागत है TSR डिजिटल टीवी में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा ये प्लेस काले टिब्बा चाइल्ड? बहुत ही सुंदर है, बहुत, हम सेकंड टाइम आए हैं, बहुत ही सुंदर है जी। तो फर्स्ट टाइम कैसे आप लोग यहाँ पर आए थे, आपको पता कैसे चला था कि काले टिब्बा मंदिर कोई डेस्टिनेशन है या यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आप आए? नहीं, बहुत लोगों से सुना था जैसे, तो फिर हम देखने आए, लेकिन वो हमें बहुत सुंदर लगा और आज भी फिर हमने कहा कि चलो जाके आते हैं मंदिर। हाँ जी। तो आप विद फैमिली आए हैं? हाँ जी, विद फैमिली आए हैं जी। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और सिस्टर है उनके, इनके हैं बेटा वगैरह, तो सब आए हैं हम। तो सभी लोग यहाँ पर आए हैं, तो सर से भी हम जानना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ का। रियली जो आने का रास्ता है ना, जो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब जो हमारा मतलब ड्राइविंग का बहुत मज़ा अच्छा लगा, मतलब जंगल के बीच में से आते दी बेस्ट। और जो भी सैलानी यहाँ आ रहे, मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई वो रास्ता मेरे को नहीं लगा, मतलब बहुत बढ़िया। और यहाँ की कोई मान्यता है, मतलब उस वजह से हमारे को पता लगा कि कोई माता जी का मंदिर है और बहुत मान्यता है। तो फर्स्ट टाइम हम जब आए थे, दिस इज़ आवर सेकेंड टाइम, तो बहुत अच्छा लगा। और अब सेकेंड टाइम भी हम आए हैं, माता जी ने बुलाया होगा आगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ मैम भी है, इनसे भी हम जानेंगे। मैम, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बढ़िया, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ अपनी सिस्टर वगैरह के साथ, बट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर जगह है और मंदिर की भी बहुत मान्यता सुनी हुई है, बट आए हम फर्स्ट टाइम है। तो बेसिकली आप लोग कहाँ से? हम तो यहीं के हैं, शिमला के ही हैं, बट हिमाचल से ही है, हिमाचल। लेकिन जो लोग आते हैं ना बाहर से, वो कई बार टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी बहुत सुंदर है यहाँ हमारा और गंदगी फैलाते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो काइंडली सब जन जो भी आए अपने अच्छे से रहें और यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा रखें हमारे हिमाचल को और अच्छे से रहें, यहाँ की सुंदरता बनाए रखें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए TSR डिजिटल टीवी की ओर से। थैंक यू जी। तो जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर जो सैलानी शिमला से ही हमारे साथ जिन लोगों ने बात की, वो शिमला के ही रहने वाले, उन्होंने बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी एक मैसेज दिया कि अगर यहाँ आए तो यहाँ पर कूड़ा वगैरह ना फेंके। इससे पहले भी हम इसको लेकर एक कवरेज कर चुके, ग्राउंड रिपोर्ट कर चुके हैं कि कूड़ा वगैरह ना डालें, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेस की ब्यूटी को मेंटेन रखेंगे तभी उसमें दोबारा आने का आपका मन करेगा, या और आपके साथ वाले लोग वो भी तभी यहाँ पर आएंगे। तो मेंटेन रखें, जो भी जहाँ पर भी आप जाते, किसी हिल स्टेशन में, हिल स्टेशन की बात नहीं, आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो उस प्लेस की ब्यूटी को ज़रूर मेंटेन रखें।